So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. This video is going to be very helpful for all the students those are preparing for job interview for specifically clinical research oriented jobs. Clinical research, pharmacovigilance, clinical trial and clinical data management, SAS programming, regulatory affairs, including pharma management jobs, marketing jobs, pharma industrial jobs and pharma and clinical research oriented jitne jobs hai. उन सब के अगर आप एस्पिरेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट लाइक हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एनी ऑफ दिस इंटरव्यूज, तो आप सबके लिए मैं एक बुक लेकर आया हूँ आज. दिस बुक नेम इज ग्रैब योर ड्रीम जॉब इन फार्मा. ठीक है, मेनली ये फार्मा रिलेटेड है बट दिस बुक इज हेल्पफुल फॉर ऑल द लाइफ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट बिकॉज वी नो करेंटली दैट फार्मा इंडस्ट्रियल जॉब्स और इफ यू से द क्लिनिकल रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स, दिस आर नॉट लिमिटेड टू फार्मा स्टूडेंट्स. एनी लाइफ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स, बीएससी, एमएससी इन केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल रिसर्च, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, एमएससी इन केमिस्ट्री. जितने भी ये सारे सेक्टर्स हैं उन सभी के जॉब इंटरव्यूज के लिए दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस बुक इज बेस्ट बिकॉज as you all know these job opportunities are the future of pharma. like agar aap pharma mein abhi kar rahe ho b farm m farm phd ms farm mba to aap sabko pata hai ki aap sabka maximum jitne bhi students aap sabka interest rehta hai ki hum clinical research oriented jobs mein jayenge, hum regulatory affairs mein jayenge, hum marketing mein jayenge ya fir हम फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे. मैक्सिमम सबका यही रहता है एंड इन सभी में जाने के लिए इधर आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है, ठीक है, या तो वर्चुअल इंटरव्यू में जाना है, अदरवाइज थ्रो सम टेस्ट लाइक कोई एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया उसके बाद इंटरव्यू. तो यू हैव टू फेस इंटरव्यू एट द एंड. लाइक कोई कुछ भी कर लो, कोई भी कंपनी हो, कितना भी आपका रेफरेंस हो, इंटरव्यू आपको देना ही पड़ेगा. एंड दिस इज़ द मोस्ट फियर्स थिंग. बहुत डर होता है एक स्टूडेंट के माइंड में कि क्या क्वेश्चंस वो पूछने वाले हैं. आपको मेनली इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर मिलेंगे, जैसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे या फिर अगर कोई टेस्ट लिया जाता है उसमें पूछे जाएंगे इंटरव्यू के लिए. ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, साइंटिफिक राइटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड हाई लेवल के पोस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के जॉब्स, फार्मा के QA QC, मैनुफैक्चरिंग, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग. एट द एंड आपको क्या मिलेंगे, लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया एंड देयर QR कोड्स. ठीक है, कितने सारे कंपनीज हैं इंडिया में उनके लिस्ट मिलेंगे आपको. एंड इन द लास्ट 100+ फार्मा बिजनेस आइडिया, मतलब फार्मेसी करने के बाद कितने सारे टाइप्स के बिजनेस हो सकता है उनका यहाँ पे आइडियाज़ एक्चुअली मेंशन है. एंड उसके बाद आपको मिलेंगे ऐसे स्टार्टिंग से कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर आंसर फॉर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मीन बाय रेगुलेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रग रेगुलेशन, व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस, व्हाट इज़ रेगुलेटरी और कंपेटेंट अथॉरिटी, व्हिच इज़ एन इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच इज़ CDSCO, एंड लिस्ट द अदर रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया. अब सबको पता है कि स्टार्टिंग होगा आपको यहीं से कि व्हाट यू मीन बाय रेगुलेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटीज. उसके बाद जैसे आप उस क्वेश्चन के आंसर देते हो आपके पास ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस उसके बाद आएंगे. तो जैसे इंटरव्यू में पूछे जाता है ऑलमोस्ट उसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब है इस बुक पे. एंड उसके बाद आपको ऑल द रेगुलेटरी एजेंसीज के नाम मिलेंगे कंट्री वाइज. सो आई थिंक फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पर्सनली कुछ दिन पहले ये बुक मिला है एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक. मुझे 2-3 दिन टाइम लगे इस बुक को थोड़ा थॉरली रीड करने में एंड आई फील लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक मैं इस बुक को ट्रैवलिंग के टाइम, मैं जब ट्रैवल कर रहा था ज़्यादातर इसको ट्रैवलिंग के टाइम स्टडी कर रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली. तो आप सब भी इस बुक को ले सकते हो जितने भी आप सब स्टूडेंट. देखो थ्योरी बुक्स में आपको इंटरव्यू लेवल का प्रिपरेशन कहीं पर नहीं मिलेगा, उसके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एंड मेरे हिसाब से सभी को इस तरीके से बुक बनाना चाहिए. सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप, आई थिंक ग्रेट एन इनिशिएटिव. तो आप इस बुक को अगर लेना चाहते हो तो फिलहाल इस बुक के यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जिसका मैं मेंशन कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं दे रहा हूँ. दोनों तरीके से आप बुक को खरीद सकते हो. इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन डायरेक्टली कॉल दिस नंबर. ठीक है, दिस बुक इज़ फॉर ऑल द फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स. ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से हो, अगर आप इन जॉब्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो दिस इज़ द बुक फॉर यू. ओके, लाइक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
And if you like the video, please share this and subscribe the channel and make sure to press the bell icon. Thank you.